नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सक्सेस क्लासेस में। आज हम यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या ले सकते हैं आप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एग्जामिनेशन है ये यूपीएससी कंडक्ट करता है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन में 421 वैकेंसीज है, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। सो देयर आर 421 वैकेंसीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अकाउंट ऑफिसर्स पोस्ट, एंड इट इज कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ईपीएफओ जो एग्जामिनेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है एक पेन एंड पेपर बेस्ड रिटन टेस्ट, एंड दूसरा जो पार्ट है मतलब जो ये रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं उनके लिए एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द यूपीएससी। तो पहला जो पार्ट है वो है पेन और पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है, एंड दूसरा है एक इंटरव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जान लेते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन की एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में दो स्टेजेस रहते हैं, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रिक्रूटमेंट टेस्ट में 100 मार्क्स रहता है एंड इंटरव्यू में भी 100 मार्क्स रहता है, पर जो वेटेज है वो 75:25 है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में 100 मार्क्स रहता है एंड इंटरव्यू में 100 मार्क्स रहता है, बट जो वेटेज है वो 75:25 है। अब मार्किंग स्कीम जान लीजिए। तो पहले तो ये एग्जामिनेशन के जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स। एग्जामिनेशन के टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 2 आवर्स, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देयर आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस आंसर्स। द मीडियम ऑफ टेस्ट इज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो -1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देयर इज नो आंसर, इफ देयर इज नो आंसर सो देयर विल बी नो पेनल्टी मार्क्स। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड रखते हैं तो इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं होगा। और जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है 50, एंड ओबीसी के लिए 45, एंड एससी एसटी के लिए है 40। तो आइए आप जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस एग्जामिनेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इट इज़ जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30, और मिनिमम एज लिमिट कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम एज लिमिट है 30, आपको ध्यान में रखना। यूपीएससी पीएफओ एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया फॉर वेरियस कैटेगरीज। आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 5 ईयर्स का एक एज रिलैक्सेशन मिलता है, एंड रिलैक्सेशन अप टू 3 ईयर्स फॉर ओबीसी, एंड एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल फॉर एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अप टू 5 ईयर्स। तो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की, एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलता है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफिसर। द अपियरिंग कैंडिडेट मस्ट कॉन्टेन अ बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। पर अगर कैंडिडेट्स की बैचलर डिग्री लॉ में या फिर इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री लॉ में या फिर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट या फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट में है तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। एंड अगर किसी भी कैंडिडेट का 2 ईयर एक्सपीरियंस है
इन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स और लीगल मैटर्स, तो ये भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। आइए अब जान लेते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आपको पता है यूपीएससी में सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, तो ये भी इसमें भी काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो पहला जो पोर्शन है वो है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में बाकी यूपीएससी एग्जामिनेशन की तरह या फिर बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तरह ही सिलेबस है। फ्रेजल रिप्लेसमेंट से शुरू करके सेंटेंस कॉम्प्लीशन, पैरा कॉम्प्लीशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इडियम्स, स्पेलिंग्स, पैराजम्बल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब रहता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें ब्रिटिश एक्सटेंशन, कॉन्फ्रंटेशन ऑफ ब्रिटिश रूल टू ब्रिटिश रूल एंड गांधियन थॉट्स एंड टेक्निक्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, इन सब में डिवाइडेड है। करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट के लिए आपको रेगुलर बेसिस में करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं एंड पेपर पढ़ने हैं। जो चौथा पॉइंट है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी। फिफ्थ पॉइंट इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग में आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, एडजस्टमेंट एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉम्प्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, सब्सिडियरी लेजर्स एंड स्पेशल जर्नल्स, इन सब में डिवाइडेड है। एंड फॉर रिलेशंस एंड लेबर लॉज, तो लेबर लॉज के सिलेबस जो है वो लेबर लॉज के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में एंड डिफरेंट सेक्टर्स जिसमें एरिया जिसमें लेबर लॉ एप्लीकेबल है उनके ओवरव्यू के बारे में सिलेबस है। यूपीएससी के जो सिलेबस इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए जो है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशनल कोड बिल्स एंड मॉडल ऑफ लेबर रिफॉर्म के ऊपर ये सिलेबस डिवाइडेड है। नाउ जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपको जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये सब पढ़ना है फॉर जनरल साइंस। एंड फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस द सिलेबस इज डिवाइडेड अमंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेशन सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सब कंप्यूटर में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी में नॉर्मल बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तरह ही सिलेबस है। लाइक क्वांट्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट्स एंड लॉस, एवरेज रेशियो, SICI, एरिथमेटिक क्वेश्चंस आते हैं। एंड जनरल मेंटल एबिलिटी में डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशियंसी, सिलोगिज्म, पजल्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आपको सोशल सिक्योरिटी के डेफिनेशंस, इसके हिस्ट्री एंड डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में जानना है एंड डिफरेंट एक्ट जो सोशल सिक्योरिटी लॉज है इंडिया में, लाइक एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो मार्क वेटेज जान लीजिए। मार्क वेटेज जो है वो है 70:25, मतलब रिटन टेस्ट में जो 75% वेटेज है एंड इंटरव्यू में आपके 25% वेटेज है। अब मैं आपको ईपीएफओ के जो एग्जामिनेशन है उसके कुछ प्रिपरेशन टिप्स बता देता हूँ। तो पहले तो आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन में जो आप स्ट्रेटजी ले सकते हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आप अपने टाइम टेबल बना लीजिए या फिर अच्छे स्टडी मटेरियल को खरीद लीजिए या फिर प्रॉपर टाइम वाइज रेगुलर बेसिस में आप प्रिपरेशन लीजिए। पर जैसे कि ये एक यूपीएससी एग्जामिनेशन है, तो आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजी लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। तो आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो लूसेंट के बुक है वो तो पढ़ सकते हैं। लूसेंट का जो बुक है वो पढ़ सकते हैं।
या फिर आप मोर डिटेल्स के लिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पेक्ट्रम ये बुक भी देख सकते हैं। तो आप अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसके लिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पेक्ट्रम ये अच्छा बुक है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब आप बहुत पहले से अपना प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, तो आप 12th की जो NCERT हिस्ट्री बुक है उसके इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ सकते हैं। नाउ फॉर द करेंट अफेयर्स यू कैन चेक इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू टेलीग्राफ, जो कि बाकी हर एक न्यूज़पेपर से ज़्यादा अच्छा है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के लिए आप NCERT फॉलो कीजिए फ्रॉम क्लास 11 एंड 12, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो यहीं से ही आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांट्स के लिए पढ़ने से ज़्यादा आपको जो करना है वो प्रैक्टिस करना है, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स जो है, मतलब रेशियो, परसेंटेज, एरिया एंड वॉल्यूम, डिस्टेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी में सिलियोगिज्म, डिरेक्शंस, इन सबको बहुत बढ़िया तरीके से आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना है। सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं एंड उसके साथ जो सोशल सिक्योरिटी बुक्स है वो फॉलो कर सकते हैं। जनरल साइंस एंड नॉलेज के लिए आप NCERT का 6 to 10 बुक फॉलो कर सकते हैं। हम मतलब 16 साल क्लासेस में आपको इस एग्जामिनेशन के लिए फुल मॉक टेस्ट एंड स्पेशली डिजाइन स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। वी ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड एनालिसिस। यहाँ पर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप एंड सेशन वाइज जो डाउट क्लियरिंग सेशन से वो भी आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ 60+ मॉक टेस्ट एंड 130+ आवर लेक्चर भी मिलेगा। वी प्रोवाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ क्लासेस। वी ऑल्सो हैव वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस। यू यू कैन सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम यू कैन डाउनलोड द पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड देयर आर साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी प्लान्स एंड इंफॉर्मेशन अमंग द ऑल एग्जामिनेशन ऑफ UPSC। तो कांटेक्ट करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं एंड यू कैन कॉल अस फ्रॉम दिस नंबर्स। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर्स। तो ये हमारे कांटेक्ट नंबर्स है एंड देयर आर द कांटेक्ट डिटेल्स। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर गेन सम टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड फुल क्लैरिफिकेशन अबाउट UPSC PFO। सो आई एम अनुपम, नाउ आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।